ऐसी मोहब्बत देख के ना आंखों से आंसू आ जाते हैं। फैन और एक्टर, फिल्म स्टार और फैन, भाई साहब इनकी मोहब्बत देख के मेरी आंखों से आंसू आ गए। अजी घंटा फिल्म का प्रमोशन है। Hey guys, it's me, अनीस अंसारी। बहुत लंबे समय बाद एक लॉन्ग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो भाई साहब मैं ऐसे ही घूम रहा था, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मैंने इस लड़की को देखा। ये लड़की जो है टाइगर श्रॉफ की फिल्म जो आने वाली है अभी, हीरोपंती 2, टाइगर श्रॉफ जो है उसका प्रमोशन करने पहुँचे दिल्ली। तो ये लड़की धूम में खड़ी खड़ी बेगोश हो गई, बेगोश हो गई भाई साहब। सिर्फ ये लड़की बेगोश हो गई भाई साहब, और इसको सहारा हमारे फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ के लड़के टाइगर श्रॉफ, वो वाले टाइगर श्रॉफ नहीं, ये वाले टाइगर श्रॉफ सहारा दे रहे। इनका प्यार देख के भाई साहब मेरी आंखों से आंसू आ गए। चाहे भले से साउथ की कॉपी हो हीरोपंती 2, हीरोपंती फिल्म जो थी वो भी कॉपी थी, अल्लू अर्जुन की फिल्म से कॉपी थी, लेकिन फिल्म बहुत ज़बरदस्त थी भाई साहब। मैंने तो टाइगर श्रॉफ की सारी फिल्में देखी, बागी 2 सब फिल्में देखी हैं। मैं टाइगर श्रॉफ की फिल्म देखूंगा जो आने वाली है अभी, हीरोपंती 2। लेकिन भाई साहब कुछ क्रिटिक्स, मैं भैया रिव्यू व्यू नहीं कर रहा हूँ, मैंने भाई साहब टाइगर श्रॉफ की मोहब्बत देखी, मोहब्बत फैन के प्रति जो मोहब्बत है टाइगर श्रॉफ की, उसको देख के वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन भाई साहब कुछ क्रिटिक्स, कुछ क्या, ये चूतिया देखो, ये चूतिया, इस चूतिया ने आने से पहले फिल्म फ्लॉप करार दे दिया, और इस चूतिये की फिल्म आने वाली है अभी देशद्रोही 2। भाई साहब पोस्टर इन्हें रिलीज किया था ये देशद्रोही 2 का, इस चूतिये की फिल्म आने वाली है भाई साहब। इसकी फिल्म जो है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म होगी, इसकी फिल्म भाई साहब दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म होगी। अजी घंटा होगी देशद्रोही बंद देख लेना, मगर क्यों ना बेहोश हो जाओ तो नाम बदल देना भाई साहब। अभी जर्सी आई थी फिल्म शाहिद कपूर की, इनने इतने खतरनाक रिव्यू दिए उसके, इतने खतरनाक रिव्यू दिए कि इसका रिव्यू देख के मन कर रहा कि फिल्म नहीं देखो। लेकिन भाई साहब फिर भी दिल पे पत्थर रख के, भाई साहब मैंने दिल पे पत्थर रख के जर्सी फिल्म देखी, लेकिन भाई साहब ये क्रिटिक्स है, ये कद्दू का क्रिटिक्स है, इसे बुराई के अलावा कुछ नहीं आता। इसको पैसा खिला दो, अगर कोई फिल्म स्टार या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर इसको पैसा खिला दे तब ये अच्छे रिव्यू देता है, वरना ये बेकार रिव्यू देता है। मैं भाई साहब पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने जर्सी फिल्म देखी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, चाहे भले से वो कॉपी थी लेकिन ओरिजिनल फिल्म से भी अच्छी लगी। शाहिद कपूर की एक्टिंग, गजब एक्टिंग भाई साहब, गजब। अगर तुमने जर्सी नहीं देखी है तो जाके देख लेना। और रही बात हीरोपंती 2 की, तो भाई साहब भाई ने जो है फैन को गले से लगा लिया, फैन के प्रति मोहब्बत टाइगर श्रॉफ की, इस मोहब्बत को देखते हुए मैं हीरोपंती 2 थिएटर में जाके देखूंगा, चाहे भले से ये पब्लिसिटी स्टंट हो लेकिन मैं जाके देखूंगा थिएटर में, और तुम लोग भी जाके थिएटर में देख लेना हीरोपंती 2, ठीक है। अगर भाई साहब एक्शन फिल्म का शौक रखते हो तो हीरोपंती 2 जाके नज़दीकी थिएटर में जाके देख लेना। लेकिन भाई साहब फिर से कहूँगा, बार बार कहूँगा, इमोशनल ड्रामा देख के मेरा दिल जो है, दिल तो क्या, मेरी आंखों से आंसू आने लगे, मैं बहुत इमोशनल हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, बहुत ही ज़्यादा। और हाँ, हीरोपंती के साथ बोलो जुवा केसरी की भी फिल्म आने वाली है नज़दीकी थिएटर में, देखोगे नहीं? पैसा बर्बाद मत करना। सही पकड़े हैं। भाई साहब मैंने वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया था, मैंने इनका इमोशनल ड्रामा देख लिया। मैं तो भाई साहब शॉर्ट वीडियो बनाने में बिलीव करता हूँ, ये बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियो बनाई है, तो इनका इमोशनल ड्रामा देख के मुझसे रहा नहीं गया। भाई साहब हीरोपंती देख लेना जाके, भाई साहब प्रमोशन के लिए ड्रामा कर दिया, लेकिन कुछ भी सही, मैं तो भैया हीरोपंती 2 देखूंगा जाके, मैं टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़ा फैन हूँ।
हाय दया। तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, मेरा किसी से भी कोई हेट नहीं है। चलिए दोस्तों बाय।